नियोमी रोटी ना घर छड़ के पाप दे घर विच सड़ी गई। हालेलुया। हुण मैं दसना चाहांगा मेरे अजीज़ जदों ने अपने उस जगह नूं छड्या और पाप दे घर विच सड़ी गई। तुसीं भी जाणदे हो कोई इंसान अगर परमेश्वर की हजूरी छड़ के और पाप की हजूरी विच चला जांदा और तुसीं और मैं सब जाणदे हां फिर उत्थे शांति नहीं रहिंदी, आशीष नहीं रहिंदे। हालेलुया। और लिखा आया कि हां जी दो में क्या लिखा, उस पुरुष का नाम अलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नौआमी था और उसके दो बेटों का नाम महलोन और किलियोन थे। हालेलुया। उसके पति का की नाम सीगा? अलीमेलेक। अलीमेलेक का मतलब होता है जब यीशु मसीह नहीं कहते अली अली लमा शबक्तनी, है ना, अली अली हे परमेश्वर हे परमेश्वर। अली का मतलब होता है परमेश्वर, मलेक का मतलब उपस्थिति। उनके पति का नाम सी अली मलेक, यानी कि उनके पति का नाम का अर्थ सी परमेश्वर की उपस्थिति। समझ आ रही है? परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। और नौमी का मतलब होता है, नौमी का मतलब होता है सुंदर खूबसूरत। उसका आपका नाम सी नौमी जिसका अर्थ सीगा खूबसूरत। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति और खूबसूरत लाइफ। हालेलुया। हुण उनके दोनों बेटों का नाम बोल दो। उसके दो बेटों का नाम महलोन और किलियोन थे। महलोन का मतलब होता है स्तुति और किलियोन का मतलब होता है तारीफ। सुनना, खूबसूरत परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की तारीफ साड़ी लाइफ च आई कुछ होंगे। हालेलुया। साड़ी जिंदगी च परमेश्वर की उपस्थिति हो साड़ी जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। हालेलुया। और जदों परमेश्वर की उपस्थिति होंगी है और जिंदगी खूबसूरत हो जाती है और परमेश्वर की असं की करते हैं आराधना करते हैं, परमेश्वर की करते हैं तारीफ करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। करते हैं कि नहीं करते? जो प्रभु ताकि जिंदगी में होएगा तुसी रब की आराधना करोगे कि नहीं करोगे, है ना, उनकी प्रशंसा करोगे जो थोड़ी जिंदगी चमत्कार करेगा, है ना। हालेलुया। और वो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है जो आशीषा आ जाती है। हालेलुया। एक